बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें, शुक्रिया। अमेरिका ने इराक और शाम में 85 मकामात पर फिजाई हमले किए हैं, जिसमें मरने वालों की तादाद दोस्तों 400 भी है। अमेरिका ने उर्दन में अपने 3 फौजियों की हलाकत का बदला लेने के लिए इराक और शाम में ईरान की आर्मी और उनकी हिमायती फोर्सेस के ठिकानों पर तवील फासले तक मार करने वाले बम्बार तैयारों ने हमले किए हैं। अमेरिका ने इराक और शाम में ईरानी आर्मी के असले खानों को भी तबाह करने का दावा किया है। अभी ये वाजिया नहीं है कि अमेरिका के बम्बार तैयारों ने इन हमलों के लिए कहां से उड़ान भरी थी और कौन सी बेस इस्तेमाल की थी। रूस के जेरे कब्जा शहर पर यूक्रेन की गोलाबारी हुई है, 15 अफराद मारे गए हैं। यूक्रेन की गोलाबारी में दोस्तों 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि 10 मलबे तले दबे हुए हैं। भारत में 570 जोड़ों की इज्तमाई शादी का भांडा फूट गया है, 2 अहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत में इज्तमाई शादी के लिए दोस्तों 51,000 रुपये दिए जाते हैं। इस इज्तमाई शादी के प्रोग्राम में कई जाली दुल्हा दुल्हन निकल आए, जिस पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में 2 सरकारी अहलकारों समेत 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि पीपल्स पार्टी सियासी कैदियों की हामी नहीं है, तहम इमरान खान सियासी नहीं क्रिमिनल कैदी हैं। इमरान खान की जानिब से इंतखाबात का बाइकॉट करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीटीआई सियासी जमात के तौर पर बैट निशान वापस ना होने के बाद इंतखाबात की रेस से आउट हो चुकी है। मौलवी फजलुर रहमान का कहना है कि आज तहजीब का दुश्मन जेल में पड़ा हुआ है। मौलवी का मजीद कहना है कि आज अमेरिका में फौज लोग भर्ती नहीं हो रहे, आज अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा, वो अफगानिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका। इमरान खान का कहना है कि इद्दत केस में मुझे जलील करने के लिए बनाया गया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, JIT बनी, लेकिन सब केसेस खत्म कर दिए गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA का मजबूत केस था, वो भी खत्म कर दिया गया। मुतहिदा अरब अमारात ने गजा की तामीर नौ के लिए दोस्तों 5 मिलियन डॉलर दिए हैं। अक़वामे मुतहिदा की जानिब से गजा पट्टी के लिए जो इंसानी बुनियादों पर काम किया जा रहा है, मुतहिदा अरब अमारात उसकी हिमायत जारी रखेगा ताकि गजा पट्टी के मुसीबत ज़दगान की मुश्किलात में कमी हो सके। ऐसा दोस्तों मुतहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा का कहना है। अमरीकी असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के सबूत मिले हैं। अमरीकी हथियारों ने TTP और बलोच अलहदगी पसंद गुरोहों को अस्करी तौर पर मजबूत किया। इस बिना पर खित्ते में गुज़श्ता 2 सालों के दौरान तखरीबकारी में वसी पैमाने पर इजाफा देखा गया। यमन पर अमरीकी इतिहाद का 3रा बड़ा फीजाई हमला हुआ है, यमन का भरपूर रद्द अमल देने का ऐलान भी हुआ है। गजा के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की 5वीं खेप रवाना हो चुकी है। इमदादी खेप में गर्म खैमे, तरपाल, कंबल समेत दीगर अशिया दोस्तों शामिल हैं। खसूसी परवाज इमदादी सामान लेकर मिस्र के शहर अल अरीश पहुंचेगी। शहबाज शरीफ का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से पैसे बांटकर शिनाख्ती कार्ड रखना वोट की बदतरीन तोहीन है। जस्टिस अथर मिनल्ला का कहना है कि लोगों की आवाज़ दबा देने की वजह से मुल्क 2 टुकड़े हो गया। लंदन में फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए जस्टिस ने कहा कि जबरी गुमशुदगी का मसला बलूचिस्तान या KPK में हो तो मसला नहीं, लेकिन पंजाब में हो तो मसला बन जाता है। TLP के सरबराह साद रजवी का कहना है कि आज यहाँ ये पैगाम देने आया हूँ कि गोलियों से कभी नज़रिया रुकता नहीं, माहौल ख़राब ना करें, इलेक्शन गुजर जाना है, सब ने यही रहना है। मकबूजा वादी में पोस्टर चस्पा कर दिए गए, कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है।
پوسٹو میں بھارتی تسلح سے آزادی کی جدوجہد جاری رکھنے کے کشمیری عوام کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ پنجاب پولیس کا الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے 29,000 جدید کیمرے خریدنے کا معاہدہ۔ کیمرے الیکشن کے بعد حکومت پنجاب کی ملکیت ہوں گے، نئے کیمرے جدید اور نائٹ ویژن ٹیکنالوجی سے لیس ہوں گے۔ اسرائیل کا غزہ میں ایک اور فوجی کی ہلاکت کا اعتراف ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ میں زمینی کاروائی میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی کل تعداد 225 ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ زمین ہمیشہ سے گول نہیں تھی۔ برطانوی یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک سمیولیشن میں 9 تشکیل سیاروں کی ساخت گول ہونے کی بجائے چپٹی شکل کو پایا۔ ایک تحقیق میں قدرتی ماحول میں چہل قدمی دماغی افعال کے لیے زیادہ مفید پائی گئی۔ ہمارے روزمرہ کے کام میں دماغ کے ایگزیکٹو نیٹ ورک کا ہی دخل ہوتا ہے۔ عرفان پٹھان نے 8 سالوں میں پہلی بار اہلیہ کی نقاب کے بغیر تصویر پوسٹ کر دی۔ عرفان پٹھان کو اہلیہ صفا بیگ کی نقاب کے ساتھ تصویریں شیئر کرنے پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا۔ پاکستان کے پہلے 2 منزلہ انڈر پاس کا سنگ بنیاد لاہور میں رکھ دیا گیا۔ لیول 1 پر انڈر پاس برکت مارکیٹ سے کینال روڈ کی طرف جائے گا، لیول 2 انڈر پاس جناح ہاسپٹل سے برکت مارکیٹ کی طرف جائے گا۔ چائنا میں دانت نکلوانے پر نوجوان کی ہلاکت کا انوکھا واقعہ پیش آیا ہے۔ دانتوں کے درد میں مبتلا وانگ ڈینٹسٹ کے پاس آئے، جس نے معائنے کے بعد 2 دانت نکالنے کا فیصلہ کیا اور وانگ رضا مند تھے۔ وانگ نامی ایک 23 سالہ چینی نوجوان کی موت دوستوں اس وقت ہوئی جب ایک ڈینٹسٹ نے دانت میں درد کی شکایت کا معائنہ کیا اور اس کے 2 دانت نکالے، جس کے نتیجے میں اندرونی کھوپڑی میں خون بہنا شروع ہو گیا۔ اگرچہ دانت نکالنا معمول کا عمل ہے جس سے مریض کی جان کو خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، تاہم دوستو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اس عمل کے دوران کسی کی جان چلے جانا بھی ممکنات میں شامل ہے۔ اب تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔